दोस्तों, अगर आप भी सेम भी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम भी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम भी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम भी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंती वेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम भी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम भी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम भी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम भी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंथी वेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं।
POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और तीन अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंथी वेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है,
वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है। तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वह कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता
कोडाईकनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि तीन प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और तीन अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंतिवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए जो कोडाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन कोवई सरला नीला नाजिल संपत मुल्लई अरासी थम्बी रामैया अश्विन कुमार गगन संबंधम भारती कन्नन
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है,
एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंतिवेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंतिवेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम भी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम भी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम भी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम भी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं।
POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते।
जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और तीन अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन ने कोवई सरला नीला नाजिल संपंत मुल्लई अरासी थम्बी रामैया अश्विन कुमार गगन संबंधम भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी
विराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालन करता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि तीन प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए जो कोडाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और तीन अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला नाजिल, संपंत मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए जो कोडाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन कोवई सरला नीला नाजिल संपंत मुल्लई अरासी थम्बी रामैया अश्विन कुमार गगन संबंधम भारती कन्नन
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए जो कोडाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है,
एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए, जो कोडाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबु नामक बस में चढ़ गए, जो कोडाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर ला
आते रहते हैं। तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम भी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम भी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम भी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम भी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम भी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम भी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम भी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 10 वर्षीय सेम भी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं।
POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते।
जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और तीन अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी
विराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालन करता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि तीन प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासरे और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और तीन अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालन करता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन कोवई सरला नीला नाजिल संपंत मुल्लई अरासी थम्बी रामैया अश्विन कुमार गगन संबंधम भारती कन्नन
आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है,
एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मी कांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालन करता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन, जिक्सन अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मी कांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालन करता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोडाईकनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम्बी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम्बी मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम्बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो 10 वर्षीय सेम्बी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं। POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबू बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों
आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी सेम भी मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम भी मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 30 दिसंबर 2022 में रिलीज की गई थ्रिलर मूवी सेम भी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों प्रभु सोलोमन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की रेटिंग की, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग दी गई है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 91% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अश्विन कुमार, लक्ष्मीकांतन, कोवई सरला, नीला, नाजिल संपंत, मुल्लई अरासी, थम्बी रामैया, अश्विन कुमार, गगन संबंधम, भारती कन्नन आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आप ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक सीन देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो 10 वर्षीय सेम भी नीला और उसकी दादी वीराथाई कोवई सरला एक मधुमक्खी पालनकर्ता कोडाई करनाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति के बीच शांति से रहते हैं। वे एक सुंदर जीवन जीते हैं, जब तक कि 3 प्रभावशाली बदमाश मंत्रीवेदन जिक्सन, अक्षय यासर और सूर्या सूर्य प्रकाश सेम्बी के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करते और उनके सारे सपने चकनाचूर नहीं कर देते। जब एक पुलिस अधिकारी सेम्बी का गला घोट देता है और ये पता चलने के बाद कि अपराधी मंत्री का बेटा है, वीराथाई को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करता है, तो वीराथाई के पास अधिकार को बहुत बुरी तरह से पीटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता और वे कोमा में चला जाता है। दोनों भाग निकले और अनबू नामक बस में चढ़ गए, जो कोड़ाई करनाल से डिग्गी गुल जा रही थी। बस में सभी 24 यात्री, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, सभी राजनीतिक हस्तक्षेपों का विफल कर देते हैं और एक वकील अश्विन कुमार लक्ष्मीकांतन द्वारा निर्देशित होते हैं।
POCSO अधिनियम 2012 के अधिनियम के माध्यम से वीराथाई और निर्दोष सेम्बी को न्याय दिलाने में मदद करते हैं। वीराथाई और सेम्बी के केस जीत लिया और 3 अपराधियों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा मिली है। अनबु बस में सवार यात्रियों की यात्रा की एक झलक देते हुए आपको दोस्तों ये मूवी की पूरी स्टोरी में रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।